हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तारा सारे। आज हम बात करेंगे अर्थडॉग के बारे में। और फ्रेंड, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। आइए बात करते हैं अर्थडॉग के बारे में। यह वीडियो वीडियो नहीं बल्कि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। फ़ायदा, बीमारी, उपचार, रोकथाम, उपयोग विधि, सावधानियाँ, स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीका से डिजाइन हुआ है। वीडियो में आपको सटीक और सही जानकारी मिलने वाला है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड, हम अपनी लाइफ स्टाइल के कारण हमारे शरीर में बहुत अधिक परेशानी आती है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। यह समस्या हमारे खाने पीने में आने वाली टोटली गड़बड़ी के कारण आती है। यह तो आपके बॉडी में लेटिक एसिड और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने के कारण आर्थोडाइजेस्ट की समस्या आ जाती है और महिलाओं के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बढ़ जाने के कारण घुटने में दर्द होने लगती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड कि घुटने में ही दर्द हो, हमारे बॉडी में जहाँ भी ज्वाइंट होती है वहाँ दर्द होने लगती है। आइए बात करते हैं आर्थोडॉक्स के कैंटेन के बारे में। निरगुंडी कफ वात कम करता है। मालकंगनी इसका तेल वात कम करने का काम करता है। रसना दर्द कम करता है। हथजोड़ यह नाम से ही स्पष्ट होता है फ्रेंड कि यह हड्डी को जोड़ने का काम करता है। सलाई गुगुल हड्डी में डायरेक्ट काम करता है। हल्दी क्यूमिन मौजूद होने के कारण दर्द और सूजन कम करता है। मेथी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है। एलोवेरा बॉडी में चिकनाहट लाने का काम करता है। आइए बात करते हैं लाभ के बारे में। जोड़ों के दर्द में आराम, पीठ दर्द, कमर दर्द, अर्थराइजिस्ट में आराम एवं जोड़ों के बीच लिगामेंट एवं लुब्रिकेट बनाने का काम करता है एवं लगातार 3 से 6 महीने आर्थोडॉक्स का डेली उपयोग करने से आपके जोड़ों के दर्द में हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। ऐसे काफ़ी सारे रिजल्ट हैं। इसके साथ साथ आपको जॉइंट कट्टर ऑयल भी इस्तेमाल करना है, इसे जेसी ऑयल भी कहते हैं। आपके जोड़ों के दर्द या शरीर में किसी भी भाग में बाहरी दर्द अधिक हो रहा है तो इसे तुरंत आराम पाने के लिए उपयोग करना होता है। उपयोग करने की विधि खाना खाने के 1 घंटा बाद सुबह शाम 20-20 ml उपयोग करना है। सावधानियां ज़्यादा खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ज़्यादा खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, अचार आदि का सेवन नहीं करना है। भोजन में अधिक तीखा नहीं खाना है। पूरे दिन लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना है। 5 साल से छोटे बच्चे के किसी कारण वह सर्दी से पीड़ित हो तो उन्हें यह आर्थोडॉक्स का रस नहीं देना है। उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह हिला ले। बोतल को खोलने के 1 महीने के अंदर ही प्रयोग में ले ले। परहेज खट्टे पदार्थों का उपयोग नहीं करना है। ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना है। थैंक यू।